व्लॉग देख रहे होगे तो ऑफ कोर्स सुबह का टाइम होगा और मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, तो मुझे बताना आपने सुबह ये व्लॉग देख रहे होगे तो ऑफ कोर्स सुबह का टाइम होगा और मम्मी कौन को ऊंचा करो, ऊपर करो हा? हाँ अब डालो हाथ ऊपर करके डालो। इधर मैं थोड़ा सा इधर लगा लेती ताकि पता चले कि कुकिंग हो रही है और शेफ अलीज़ इज़ इन द टाउन। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, किस तबीयत है? आई नो मैं कल लाइव नहीं आई थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम लाइव। कैसे हैं आप सब, किस तबीयत है? आई होप सब ठीक होंगे। तो इस व्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मुझे ये था कि यार चलो व्लॉग बना लेते हैं। मैंने 4 दिन पहले एक व्लॉग अपलोड किया है और यू गाइज डिजर्व अ व्लॉग, सो आई वॉज ओके लेट्स मेक द व्लॉग। तो मैंने सर्च किया क्या क्या, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी, मैंने बोला मैंने पहले मोमोज ट्राई किए थे, वो इतने अच्छे बने भी थे और कुछ कच्चे भी बने थे लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद आए थे, तो अब क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए जो नेपाल का ट्रेडिशन है, नेपाल का कल्चर है, ऐसा करके। तो फिर मैंने गूगल किया क्या क्या, फिर मुझे पता लगा कि आप लोग त्यौहार में और दशहरे में ये मिठाई टाइप स्वीट जो होती है ये आप लोग खाते हो, इसको क्या बोलते हैं, सेल रोटी, इसको बोलते हैं सेल रोटी। आई थिंक मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मुझे करेक्ट कर देना। तो हम बनाएंगे सेल रोटी, सेल रोटी। जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने ले ली थी। राइस को हम मतलब नेचुरली वो नहीं करेंगे, क्या बोलते उसे, ग्राइंड मैंने पाउडर मंगवा लिया है और मैं अपनी मम्मा को भी उठाती हूँ और बोलती हूँ चलो मेरे साथ बना दो, बिकॉज मॉम जाग रही है सो उठाने की कोई भी वो नहीं है, सब जाग रहे, तो लेट्स गो लेट्स मेक सेल रोटी। और ये मैंने ट्राई किया है जब मैं नेपाल गई थी, तो नेपाल में वनीता दीदी ने भेजा था, तो ये मीठी रोटी की तरह होती है विच इज़ वेरी फेमस, सो लेट्स मेक, लेट्स डू माई ऑनर्स। वेलकम टू माई किचन। इधर हमने बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। एनीवेज, तो हम लोगों ने मैंगो आइसक्रीम बनाई थी और वो फेल थी, लेकिन लेट्स सी कि ये फेल होती है कि नहीं, लेकिन ये फेल नहीं होगी यार, बिकॉज इट्स रियली इजी लग रहा है मुझे, लेकिन देखने से लग रहा है। सो वी हैव राइस पाउडर, ठीक है, और मैंने पूरी जो है अभी रेसिपी भी देख ली और मेरी मम्मा ने भी देख ली है। सो इट्स बेसिकली हम लोगों ने एक थाल लेना है, उसके अंदर वो राइस पाउडर डालना है, फिर घी को गरम करना है, फिर घी को गरम करके उसके अंदर डालना है वो गोल बनाकर, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। सो लेट्स सी, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आप लोगों के सामने, इंग्रेडिएंट्स हैं ये वो मेथी दाना, ठीक है, क्या बोल सकते हो, मेथी दाना बोलते हैं इसको, इसको हम रोस्ट करके डालेंगे मेथी दाना। देन वी हैव घी, उसके बाद बेकिंग सोडा, ऑयल ऑफ कोर्स, एंड देन शुगर, और ये राइस का पाउडर। सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गो। और इसको जो है बनाने के लिए कारनामा अंजाम देंगे हम लोग, सो लेट्स गो। अभी मेरो अम्मा ऊंचा, मेरो मम्मा आ गया, दर्शन दर्शन नहीं, जब बोलते दर्शन तो आपने बोले भाग्यवानी रहो, भाग्यवानी रहो, भाग्यवानी आओ आउंचा, इधर आउंचा। और रात के क्या टाइम हो रहा है ये भी बताओ। रात के गाइस लुक 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 लुक, रात के 1:27 हो रहे हैं, ओके 1:27, और मुझे इस वक्त ये उठा के लाई है और कह रही है मम्मी इतने महीने में तो मम्मा जाग रही थी, शी वाज स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, नहीं जी कोई नहीं, तो आई वाज लाइक जाग रही हूं, जो मैं सब बना लो, तो लेट्स लेट्स मेक कम। मम्मी ने हमें दो काम बताए हैं, हम लोग जब तक मम्मी आती है हम लोग वो करकर रखते हैं। देखो मुझे बाद में नहीं बोला कि मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता आता है। सो जो मेरे पास पाउडर है वो 1 kg है, लेकिन हम 1 kg पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा यूज करेंगे बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट टाइम। सो मैं सिर्फ इतना ही लूंगी और फिर इसको जो है अच्छे से रोस्ट करूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। देखो अभी इसका कलर ये है, अभी मैं जो है इसको इसके अंदर डालूंगी और घुमाऊंगी थोड़ा थोड़ा, फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसको जो है अच्छे से घुमाएंगे,
कलर चेंज होगा, इनका डार्क ब्राउन जो है कलर हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, वो थोड़ी देर उसमें भी रहेगा तो हो जाएगा, बंद करो। इसने कलर चेंज कर लिया, ये बिल्कुल जो है ना ब्राउन 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 कलर के हो गए। हम हाथ से पीसते हैं ना, मुझे हाथ से पीसना है, हाथ से पीसना है या कूटना है मुझे? हाँ हाथ से कूटना है मुझे, इसको हाथ से कूटेंगे हम लोग। यस, हजूर क्यों इधर बैठो। ओके सो हमारे पास ये आ गया है कूटने का, तभी हम कूटेंगे इसको। मैं ऐसे रखती हूँ तो बेटर, अभी हम इसको इसके लगा के कूटेंगे। ये इसके लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और थोड़ा बहुत नीचे भी गिरा उसको इग्नोर करेंगे, थोड़ा तो नहीं ज्यादा ही नीचे गिरा जा रहा है। कोई नहीं मम्मा, आई एम नॉट प्रोफेशनल लाइक यू। ओहो या समझ नहीं आ रहा मुझे कि हमने इसको रोस्ट क्यों किया है। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमने इसको रोस्ट क्यों किया यार, या फिर इसलिए कि ये अच्छे से पिस जाए। मुझे लग रहा है मुझे मम्मी की सलाह लेनी चाहिए थी, और वो ग्राइंडर ही ग्राइंडर में इसको डाल देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। तो अब हम घी गरम करेंगे, और घी जो है ऐसे तो खुल नहीं रहा, तो कौन कौन घी को इस तरीके से खोलता है, मैं ये था रहा। सो हम ऐसे खोलेंगे घी को, और घी ज़्यादा लेंगे तो इसी में निकालूँ, क्योंकि हम इसी में ही गरम करेंगे घी को। तो मेरी मम्मा आप बताइएगा हाँ जब स्टॉप। तो अभी तो लेंगे 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 लेंगे, देख सकते हैं मम्मी आप अभी भी। डू यू थिंक मम खत्म हो गया, जमा हुआ है ना? यस जमा हुआ है। यस बस यस ओके डन डन। तो गाइस हम उसको इतना जो है ना गरम करेंगे, अभी मैं आप लोगों को जूम वाले कैमरे से भी दिखाऊं। इसको गरम होने के लिए रख देंगे जब तक इसमें जो है बॉईल नहीं आ जाता, एक दो बॉईल आने चाहिए ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए, और हम जो है जब तक वो राइस पाउडर की प्रिपरेशन करते हैं। बाउल लेकर मतलब क्या बोलते हैं इसको, थाला, ये हम थाला लेकर आए, थाली, ये हम थाली लेकर आए हैं, क्योंकि इसी में ही उन्होंने भी ऐसी किसी चीज़ में की थी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कितना मस्त आ रही ना वहाँ। तो अब हम इसमें जो है ये पाव जो निकालेंगे, हम कट करते हैं थोड़ा सा, और ना इसके अंदर बीच में हमने घर भी बनाना है, मतलब एक गोल 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 तरीके का। ओके हाफ, तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है कि बिल्कुल एबीसी कैंप लग रहा है, और अब हम इसके अंदर एक घड़ा खोदेंगे, ठीक है, जैसे लोग अपने लिए गड़ा खोद दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं और उसमें गिर जाते हैं ना, ऐसे ही हम अभी इसके अंदर गड़ा खोद दिया हम लोगों ने, और इसके अंदर जाएगा ये घी घी जाउंछा। थोड़ा सा इधर लगा लेती ताकि पता चले कि कुकिंग हो रही है, और शेफ अली इज़ इन द टाउन। तो हमारी मम्मा ने हमें मना कर दिया कि घी आप मत डालिएगा, हम डालेंगे अदरवाइज आप अपना हाथ जला लेंगी, तो ठीक है। आपने भी फौरन से मिक्स नहीं करना है, आपको पता है गर्म है तो वेट करना है थोड़ा, 5 मिनट्स। क्या हुआ? ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके ये बिल्कुल वॉल्केनो जैसे कलीजे के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ओह ओह माय गॉड, वाओ क्या खुशबू आ रही है, क्या बात है, क्या बात है मेरी मम्मा की। तो गाइज हम लोगों ने ज़्यादा पूरा घी नहीं लिया है, थोड़ा घी लिया क्योंकि ज़्यादा हो गया था। आप लोग ये कतई मत समझेगा कि मैं काम नहीं कर रही, माँ कर रही हूँ यार, कर रही हूँ, क्या हो गया देखो। अभी पानी बॉइल करने के लिए रख रही हूँ, गिरा दिया, कर रख दिया हमने बॉइल होने के लिए। हाँ और ये पानी थोड़ा सा गिर भी गया मुझसे, एनीवेज इसको इग्नोर करते हैं। खूबसूरत हाथों से मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह लगकर गर्म ना हो।
लग रहा है ना, लेकिन चले कोई नहीं. उसके अंदर वो दूसरा उठा के डालू ना वहाँ से पाउडर. हाँ और ऐसे यस घी के ऊपर हल्के हल्के डालो, एकदम से नहीं पुश करना. जी 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 इस तरीके से ना. हाँ हाँ आपने सही बोला. यस अब नहीं लग रहा. अब हम इसमें डालेंगे चीनी. कितनी मम्मा? हाफ कप चीनी डालो. 1, 2, 3, 4. Few moments later. ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं पूरे. अच्छा ठीक है ठीक है. क्या मैं समझी हाफ डालना था. नहीं फुल. और उसके बाद ये बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के अलावा कुछ और था मम्मी? नहीं चीनी थी बेकिंग सोडा इतना. ठीक है तो इतना बेकिंग सोडा भी डाल देंगे अभी हम इसके अंदर. डाल दिया बल्कि मुझे लग रहा है कुछ और भी था. नहीं यही था. अब 5 मिनट के लिए इसको दोबारा मिक्स करेंगे. मैं इसको इसका भी कैमरा से भी दिखा देती हूँ किस तरीके का लग रहा है. ये बनकर तरीके का लग रहा है. हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे अच्छे से कि चीज़ को. बूंद रही हूँ यार, बूंद रही हूँ. क्या हो गया देख सकते हैं आप लोग. बूंद रही हूँ मैं अभी. पानी को सुनता करना जी मम्मी. हाथ करिए. बूंद रही हूँ ना. तो एज यू ऑल कैन सी कि अभी कुछ इस तरीके का हुआ है. और क्या लग रहा है मम्मी, सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ तुम बनाओ और ना हो. ओह या. तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी पतला है. देखिए इन्होंने कितना अभी हमारा ऐसा हो गया है. तो अभी हमें इसे और पतला करना है जैसे कि ये आंटी कर रही है. मेक द कंसिस्टेंसी लाइक दिस. देखिए मम्मी ऐसी ऐसी गिरनी चाहिए. ठंडा हम इसको जो है ना ढाप कर रख देंगे ऐसे. और 2 घंटे बाद आकर देखेंगे कि क्या सीन है. टाइमर मैं लगा लेती हूँ. मैं लगा रही हूँ अभी टाइमर फॉर 2 आवर्स. ये लग गया एग्जैक्ट 2 आवर्स का. तो आफ्टर 2 आवर्स हम इसको बनाएंगे. अल्लाह करे बन जाए. सो गाइज वी आर बैक आफ्टर 2 आवर्स एंड वी आर स्टिल अवेक. ऑफकोर्स हम अपना जो है नाश्ता वाश्ता करके ही सोएंगे मैं और मेरी अम्मा. और हमने जो है सोचा है कि बता दो हम प्यारी प्यारी वीडियोस बनाएंगे तो वो आपको दिखने को मिल जाएंगी टिकटॉक पर. लेकिन आफ्टर जब के व्लॉग अपलोड होगा उसके बाद. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है ऑयल को गर्म करने के लिए रख रहे हैं इसके अंदर. ये हमारा जो है पैन है अभी. ये कुछ इस तरीके का लग रहा है. ठीक है देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी. उन्होंने जैसे बताई थी उसी तरीके की हुई हुई है. ठीक है. और मामा ने कहा है कि इसके अंदर डालकर हम ऐसे वो करेंगे. लेकिन मैंने कहा हाथ से कर लेंगे. मामा ने बोला नहीं हम ये कोन यूज़ करेंगे. तो जब तक मम्मा ऑयल गर्म करिए हम जो है ये कैटल में जो है चाय चढ़ाते. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या मामा क्या मम्मी ये जग निकालना. ये जग हाँ इसके अंदर कौन डाल के आप कौन फील कर देना ना मुझे. हाँ वो ये रहा जग. और इसके अंदर हम ये जो है कौन डालेंगे और इसको ऐसे बाहर निकालेंगे. आई थिंक इतना काफी होगा. देखिए और डालो तो ये रहा. तो हम इसमें रबर लगाएंगे अच्छे से स्ट्रॉन्ग. मेरी कोन रेडी है. सो मम्मा ने ट्राई के लिए एक डाला था और ये हो चुका है गरम. डू यू थिंक और होना चाहिए मम्मा गरम? डू यू थिंक हमें और रखना चाहिए? और अब मैं इसके अंदर डाल दूँ अब क्या बोलते हैं चाय की पत्ती. लेट्स ट्राई. लेट्स मम्मी मुझे डर लग रहा है. मम्मी कौन को ऊंचा करो ऊपर करो. हाँ अब डालो हाथ ऊपर करके डालो. स्टॉप. Mommy!
सो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे दिल की शेप का. ओ माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ. इतना सा करके आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ. वाओ, अब अच्छे से ब्राउन होगा. अल्लाह करे टेस्ट भी बढ़िया सा हो, अच्छा सा हो. आई एम सो एक्साइटेड मैन, फाइनली कुछ तो बना. आई नो सर बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन मेरा फर्स्ट ट्राई है, तो यू ऑल शुड अप्रिशिएट मी. क्या मम्मी क्या बोल रही हो? वैसे मैंने नेपाल में खाया था तो मुझे बहुत है ना, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा. मैंने ये सोचा था कि मैं जाते हुए लेकर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ये मिलता नहीं है. मगर हमारे साथ हुआ क्या, वजन ज्यादा हो गया था. हमें अपने बहुत सारे सामान, मॉम इसको और डार्क ब्राउन करना है. सो अब मॉम जो है ट्राई कर रही है और मैं ये चूल्हे की आंच जरा हल्की कर दूं. ओके डन मॉम, स्टार्ट. बिस्मिल्लाह. ओ मॉम ने अच्छा बनाया है ना, इतना मोटा. लेकिन गाइस ये मेरा है और ये मम्मा का है. मम्मी का देखो, मम्मी ने मेरी सेहत जैसा बना दिया मोटा. अभी अभी भी रहे थे मम्मा. ओ ये तो बाहर आ गया, ऊपर आ गया. अब छोटा बनाए मम्मा, छोटा छोटा. सो गाइस ये देखें कुछ ऐसा हो गया भाई. वाह 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 वाह. और सुबह फजर की अजान हो रही है. ओए होए 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 होए, क्या बात है. सो गाइस मम्मा बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गई हैं बना बना के, है मम्मी जी. तो आप लोग जब सुबह ये व्लॉग देख रहे होगे तो ऑफ कोर्स सुबह का टाइम होगा, और मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम होगा. तो मुझे बताना आप में से कौन कौन किस किस का फेवरेट है ये सेल रोटी, ठीक है, और किस किस को पसंद है. एंड आई होप मैंने अच्छी बनाई. अब मैं चाय जो है प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी मम्मी के लिए. मम्मा कितने स्पून आपके लिए? टू स्पून मम्मी के लिए. आप लोग कितने स्पून लेते हो? मैं भी टू ही लेती हूँ. देखिए मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना. हाँ डाइटिंग की क्या जरूरत है ना मम्मी, मैं भी नहीं यही बोलती हूँ, मुझे डाइटिंग की क्या जरूरत है. Guys, that's it for today. मेरी ये सेल रोटी तैयार है और अभी मम्मा खाकर ट्राई करके बताएंगी और मैं भी ट्राई करूंगी. हाय मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बिकॉज अच्छी बनी है ना, बहुत अच्छी बनी. चलो अभी टेस्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली ट्राई की थी वो काफ़ी डिलिशियस थी. सो लेट्स सी. सो गाइस मैंने जो है फ्लैश लाइट ऑन किया, बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है और सिर्फ मैं और मम्मी जाग रहे और अभी हम जो है खाने लगे. मम्मी पहले आप खाओ और बताओ कैसा है, गरम होगा ना. ये वाला ट्राई करूँ मॉम, ये वाला पहले बनाया था. अच्छा मैं ये वाला ट्राई करूँगी. जैमी कैसा है मॉम? बहुत टेस्टी है. मीठा है? बहुत. मुझे भी नॉर्मल है लेकिन बहुत टेस्टी. ओके गाइस जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया था ना वो काफ़ी सख्त हो गया था, पर दिस वन इज सॉफ्ट, सो आई एम ट्राइंग. पहला वाला इसलिए सख्त हो गया कि शायद हमने उसे ज्यादा देर बना लिया, पकाया ज्यादा देर. डिलीशियस, बहुत मस्त था. जेनी भी आ गई. It for today. Thank you so much for watching the vlog. I hope आप लोगों को पसंद आया होगा. I'll try to be more active. Let me know what you guys want to see next. और मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड सब मुझे बताइएगा कि सेल रोटी किस किस को पसंद है. लव यू ऑल सो मच. 500 के कर दो. 500 ही कर दो, अब तो मम्मा भी बोल रही है जल्दी कर दो.